हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। हिंदी कराने को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद भारत का संविधान, जिंदाबाद। दो दिन के अंदर अगर हमको एफआईआर निशाने के खिलाफ नहीं मिलता है तो मती से इत्यादुल मुस्लिमीन फिर मालवनी पुलिस स्टेशन का घेराव करेगी। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टिप्स। हेट स्पीच के मामले में नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर एमआईएम पार्टी काफी आक्रामक नजर आ रही है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए मलाड मालवानी पुलिस स्टेशन का एमआईएम पार्टी की रिजवाना खान तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर घेराव किया। रिजवाना खान ने बताया कि नीतीश राणे मुस्लिम समाज के खिलाफ बयानबाजी की है जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन का घेराव कर यहां नारेबाजी की गई। रिजवाना खान ने बताया है कि पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि दो दिनों में तफ्तीश करने के बाद नीतीश राणे के खिलाफ गुनाह दाखिल किया जाएगा। वहीं रिजवाना खान का ये भी कहना है कि दो दिन में अगर नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज किया गया तो एमआईएम पार्टी दोबारा से पुलिस स्टेशन का घेराव करेगी। आज यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुंबई मलाड मालवानी पुलिस स्टेशन का घेराव किया। यहाँ पर डीसीपी जोन नंबर 11 के आनंद भोईते सर हमसे मिले और सीनियर सर मिले। उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है, पुलिस का पूरा आश्वासन मिला है और ये आश्वासन नहीं हकीकत है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमें बताया, आनंद भोईते सर ने, डीसीपी सर ने कहा है कि दो दिन के अंदर हम आज इसका स्क्रिप्ट देखकर पूरी तफसील के साथ एफआईआर लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे ऐसे हेट स्पीच वालों को बढ़ावा दिया जाए। और अभी वो तफ्तीश करना शुरू किए हैं। दो दिन के अंदर एफआईआर नहीं हुआ तो फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिर अपने हक के साथ, अपने संविधानिक हक के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मालवानी पुलिस स्टेशन का फिर से घेराव करेंगे। हमने सर से कह दिया है कि दो दिन के अंदर हमारे हाथ में नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए जाए कोई भी आए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोई भी एमएलए हेड स्पीच देके जाएगा, मुस्लिम समुदाय को कुछ भी बोलेगा तो ऐसा नहीं चलेगा। संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया है, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा तभी तो ये देश चलेगा। तो संविधान को लेकर हमने अपने हक की बात कही है। मालवानी पुलिस ने और यहाँ के डीसीपी ने पूरा आश्वासन दिया है, दो दिन के अंदर अगर हमको एफआईआर नीतीश राणे के खिलाफ नहीं मिलता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिर मालवानी पुलिस स्टेशन का घेराव करेगी। और बहुत जल्दी हमें एफआईआर कॉपी मिले, नहीं मिलती तो हम यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से घेराव करेंगे। और ये सारे मजलिस की टीम है, हम हक पे बोलने वाले हैं। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन उमेई साहब ने कहा है कि संविधान को लेके चलो, कानून के दायरे में रहो, तो हमने कानून से सहायता मांगी है। अभी दो दिन में हमें एफआईआर कॉपी मिलती है, हम यही उम्मीद करते हैं मालवानी पुलिस से, मुंबई पुलिस से, क्योंकि मुंबई पुलिस हर काम में सक्षम है, हर काम में आगे है। दो दिन में इंशाल्लाह हमको बहुत जल्दी एफआईआर कॉपी मिल जाएगी और नीतीश राणे को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद।